संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी आ गए नाउ सुनील जी खाटी बिहारी और शुद्ध भारतीय केम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्लीज बी केयरफुल ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लास जितने भी छात्र दसवें कक्षा में पढ़ते हो खास करके बिहार के छात्र तैयार हो जाओ। पुनः मैं आपदा और प्रबंधन के चौथे चैप्टर से जिस चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन उससे संबंधित लाजवाब रोचक बेहतरीन और ज्ञान से परिपूर्ण आपका लेक्चर से प्रस्तुत करा। अरे भैया दो बार तो सुन लो 80% से ऊपर नंबर ना आवे तो मैं मोच काट करके फेंक दूंगा। तैयार हो जाओ। यहां पर आपदा जानते हैं किसको कहते हैं तो आफत को कहते हैं। अचानक आई हुई आफत कोई नहीं चाहता है जो आपदा आवे तो अचानक आई हुई आपदा का प्रबंधन कैसे करें तो प्रबंधन दो चरणों में लागू किया जाता है। एक है आकस्मिक प्रबंधन और दूसरा है दीर्घकालीन प्रबंधन। आकस्मिक माने तुरंत जो किया जाता है और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म में। आकस्मिक के लिए समय नहीं मिलेगा। आफत आई आपदा आई तुरंत उसकी उसको तुरंत काज करना पड़ता है और आपका दीर्घकालीन के लिए आप पूर्व में कर सकते हैं लंबे समय उसमें मिला रहता। आइए आकस्मिक प्रबंधन में हम लोग आते हैं कि ये इस आफत की घड़ी में जो आपातकालीन समय में आप करते हैं वो जीवन रक्षक प्रबंधन है वो हो गया आकस्मिक प्रबंधन। और दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि आपदा का प्रभाव को कम करना। समझ गए? तो पुनः एक बार ध्यान रखिए कि आकस्मिक प्रबंधन कम समय में त्वरित तुरंत इंस्टेंटेनियस होता है और दीर्घकालीन पूर्व में ही पहले से ही तैयारी की जाती ताकि उसका प्रभाव कम हो। अब पहुंचते हैं कि प्रशासन का चाहे कोई भी हो चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या पंचायती सरकार हो या आपका गांव का लोकल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो उसका सफलता का आधार है आकस्मिक प्रबंधन। यदि आकस्मिक प्रबंधन में वो चूक गया मान लीजिए थोड़े देर के लिए अगलगी हो गया आग से सब चीज जल गया तब आया बुताने के लिए तो कोई उस आकस्मिक प्रबंधन को वैल्यू देगा? बिल्कुल नहीं वैल्यू देगा। दे आर वर्थलेस दे आर यूजलेस। तो उस स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन ही प्रशासन की इफिशियंसी की दक्षता को प्रकट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का आफत जो आती है या आपदा जो आती है उसका आकस्मिक प्रबंधन भी अलग अलग प्रकार का होगा। ऐसा नहीं कि बाढ़ में जो आकस्मिक प्रबंधन करेंगे वही अगलगी में होगा, जी नहीं। और अगलगी में जो होगा वही सुनामी में होगा, जी नहीं। भूकंप में जो होगा वो बाढ़ में नहीं। ऐसा नहीं। सबका अलग अलग, आपदा का नेचर अलग तो प्रबंधन का भी नेचर अलग। पहला हम लोग देखते हैं कि बाढ़ के स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसे करते हैं। तो बाढ़ के स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन जो होता है वो ये होता है कि जैसे सबसे पहला काम कि बाढ़ में जो व्यक्ति जो लोग फंस चुके हैं पानी में फंस चुके हैं तेज धारा में फंस चुके हैं कोई पेड़ पर है कोई छत पर है और वो किसी भी समय पेड़ गिर सकता है या छत टूट सकता है उस स्थिति में सबसे पहले उसको निकालना या तो नाव यदि वहां तक पहुंच सकता है तो उस अथवा लाइफ जैकेट उसको प्रोवाइड करना अथवा न हो तो सबसे बेहतर विधि है कि हेलीकॉप्टर से उसको खींच लेना। जंजीर के माध्यम से सेना खींच लेती है बहादुरी पूर्वक। आपने देखा होगा टीवी में देखा होगा आपने कभी कभी ऐसी घटना को हो सकता है कि आप बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हो। भाई हमारे तो बिहार में बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हैं तो उसमें हमने देखा है कि उसको खींच लिया जाता है लिफ्ट से। अब फिर देखिए कि यदि मवेशी और घर के सामान को निकालना, मवेशी को ऊंचे स्थान पर ले जाना, घर के सामान को बचाना, हमने तो ऐसा भी देखा है कि जब बाढ़ आ गया तो बिहार में की करता है नाव लेकर के घर के सामान पार करने लगता है चोरावे लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आफत यदि आती है तो उस स्थिति में लोगों का साथ दे, उसके साथ आप गलत ना करें, ये मानवता के नाम पर कलंक होता है। तो उस मवेशी तथा घर के सामान को सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, गांव के बाहर यदि कोई तटबंध है तो वहां चले जाना, ऊंचे जगह पर लोगों को पहुंचाना, मवेशी को पहुंचाना। ये इसके बाद जब वहां लोग पहुंचते हैं तो उसके लिए भोजन का इंतजाम करना, उसके लिए जल का इस्तेमाल इंतजाम करना, क्योंकि आमतौर पर बाढ़ के समय में जल की स्थिति खराब हो जाती है और यदि दूषित जल पिएगा तो व्यक्ति में महामारी फैलने की डर रहती है। तो उस स्थिति में भोजन
और अच्छी पेयजल, अच्छी क्वालिटी की जिसको कहते हैं कि जल, वो उपलब्ध होनी चाहिए जिससे महामारी न फैले। इसके बाद जहां पर पानी का जल जमाव है, यदि उसमें कोई चीज मरे हुए प्राणी है उसको हटा करके उस पर डीडीटी का छिड़काव करना, और ताकि महामारी न फैले। एगो और अफतवा चल आता है बाढ़ में कि वो में सांप आ बिच्छू जो होता है वो बाढ़ से परेशान होता है, वो क्या करता है, वो पेड़ पर चल जाता है, जहां आदमी होता है वही चले आता है, जानवरों और चले आता है, और वो स्थिति में काटियो लेता है। अब जब काट लेता है तो वो स्थिति उस स्थिति में दे रिक्वायर्ड, उसमें आपको वहां पर क्या होना चाहिए कि सर्प दंश के लिए इलाज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल में सर्प दंश का वैक्सीन होना चाहिए। इसके बाद बिच्छू काट लेता है उन सब के लिए भी दवा, ये सब उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के दौरान सर्पदंश की घटना बढ़ जाती है। इसके बाद आकस्मिक प्रबंधन जो है, ये ध्यान रखिएगा कि आपदा आने के पूर्व में जितना अच्छा कर लीजिएगा उतना ही अच्छा उसकी दक्षता इफिशियंसी रहेगी और उतनी ही अच्छी उसकी मार्ग क्षमता रहेगी जिस समय आफत आती है। अब देखिए कि जैसे पशु चारा का एकत्रित कर ले, भोजन को स्टोर कर ले, इसके बाद ऊंचे स्थान को देख ले, वहां पहुंच जाए, मवेशी को लेकर के चले जाए, दवा छिड़काव के लिए जो डीडीटी सब रहता है उन सब का इंतजाम कर लेना चाहिए, कुछ आवश्यक जो दवा रहती है जीवन रक्षक वो ले लेना चाहिए, रेडियो ले लेना चाहिए और ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। अब भूकंप और सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसा करे, देखिये भूकंप का नेचर बाढ़ से थोड़ा अलग है। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन जो होनी चाहिए, क्योंकि भूकंप का पूर्वानुमान सटीक लगाया नहीं जा सकता है, तो उस स्थिति में जैसे कि कोई घर गिर गया, कोई मकान गिर गया, यदि कोई दबे हुए हैं तो सबसे पहले उसको बचे हुए लोगों को विस्थापित करना, और विस्थापित करना लोगों को कैंप में ले जाना, और कैंप में ले जाना और वैसे, और जो लोग मलबे में दब गए हैं, जो लोग मकान के नीचे दबे हुए हैं, और उसको निकालने की कोशिश करना, क्योंकि वो ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकते, जितना जल्दी से जल्दी उनको निकाल लेंगे उतना ही अच्छा होगा। और इसके बाद जो लोग दब करके मृत्यु हो गई या दुर्घटनावश भूकंप के कारण, मकान गिरने के कारण मृत्यु हो गई, स्वाभाविक है कि डेड बॉडी में कुछ देर के बाद महक आती है, बदबू आती है, तो उसको जल्दी से जल्दी धार्मिक विधि से अंतिम संस्कार कर देना। जैसे हिंदू भी मर सकते हैं, मुस्लिम भी मर सकते हैं, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी, क्योंकि जब भूकंप आता है तो वो जाति और धर्म देख करके प्रभाव नहीं छोड़ता है, तो उस स्थिति में मलबे को लोगों को तत्काल निकाल लेना, और जो मृत शरीर है उनका शवदाह हो या कब्र में गाड़ना हो, जैसी भी प्रक्रिया हो धार्मिक विधि से उसको संपन्न करना। इसके बाद एक और है कि इंफ्रारेड कैमरे से भी लोगों के बारे में जानकारी, कहां पर लोग दबे हुए हैं, इससे इसका भी पता कर सकते हैं। इसके बाद एक सूंघने वाला कुत्ता होता है, जो मानव यदि नीचे दबा हुआ है तो तुरंत पता कर लेता है। आप देखे होंगे, अरे रमेशवार तो देख ले हो भी, जब गांव घर में जो चोरी हो जाता है तो उस स्थिति में एक कुत्ता को मंगाया जाता है, यदि चोर का यदि पांव का कोई चप्पल जूता छूटा रहता है तो वो उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में चोर आपका दौड़ा होगा, भागा होगा, उसको पकड़ा जाता है, वो ट्रेंड कुत्ता होता है। क्लियर रमेशवार, देख ले है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल देख ले, बारे बारे कमाल है। तो ये आपकी सूंघने वाले कुत्ता से उसको पता करना, और जहां पर भी यदि कुत्ता उस तरह का यदि पहचान बताता है तो उसको निकालना। अब सुनामी की जो स्थिति होती है वो भूकंप एक तरह की, हम कह सकते हैं कि समुद्र तल में जब कंपन होता है तो सुनामी आता है, लेकिन सुनामी में थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि पहली प्राथमिकता क्या है कि घायल को उपचार के लिए ले जाना, और प्राथमिक उपचार के लिए लापता के लोग जो हो जाते हैं, चूंकि अचानक लहर आती है, तटवर्ती लहर जाती है और उसमें बहुत लोग बह जाते हैं, तो लापता लोग का पता लगाना, और हेलीकॉप्टर और रडार की मदद से, क्योंकि जो पानी जाती है तट के बहुत अंदर तक चले जाती है, फिर वापस भी आती है, तो आदमी को बहा करके और फिर वापस भी ले आती है, तो उसको हेलीकॉप्टर या रडार की मदद से पता करना। फिर शक्ति चालन नौका, जो कि ऑटोमेटिक चलती है, ये पावर चलित होती है नौका, उससे पता करना कि अंदर जाकर के जो कोई व्यक्ति डूब तो नहीं है, कोई लाश तो नहीं बह रहा है, उसको पता करना, और उस स्थिति में हम लोग नौसेना की सहायता भी ले सकते हैं सुनामी की स्थिति में। अब आता है कि आग लगने की स्थिति में क्या करें, आग लगी
अरे रजिब्बा अरतिया तुआ तो सब सब देखले हो भी कि कैसे आग लगता है अहार तो सब देखने हो कि केना आग लागे छे यू ऑल वेयर एक्वेंटेड विद द हाउ अर्थक्वेक अकर्स हाउ सुनामी अकर्स और कैसे आपका अगलगी होता है कि हाउ फायर इंगल्फ इन द एरिया आपने देखा होगा तो देखा होगा आमतौर पर गर्मी ऋतु में या असाधारण ठंड होता है लोग गांव भर में घूरा तापते हैं गांव भर में अलाव तापते हैं उस समय भी कभी कभी पहले लोग डिबिया जलाते थे डिबिया के फ्लेम से भी आग लग जाता था उसके ज्योति से आग लग जाती थी और आजकल जो आग लगने लगा है वो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने लगा है अचानक बिजली पर लोड बढ़ता है और सर्किट होता है और उससे आग फैलती है बड़े बड़े शहरों में इस तरह का आप मुंबई में देखिए कलकत्ता में देखिए दिल्ली में देखिए हाल फिलहाल में भी आग लगे हुए शॉर्ट सर्किट के कारण होता है शॉर्ट सर्किट की आग बहुत खतरनाक होती है उस स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन तीन तरीके से किया जा सकता है थ्री इसमें अब जो थ्री वेज होता है सबसे पहले तो आग में घिरे लोग को बचाना क्योंकि आग ज्यादा देर तक उसमें व्यक्ति टिक नहीं पाएगा उस लोगों को बचाना और उसको बाहर निकालना फिर जैसे कि सीढ़ी बना होता है जो ऊपर में है नीचे आग लगी हो तो उसको उतारना नहीं हो तो नीचे में बड़ा सा गद्दा बिछा देना ताकि ऊपर के लोग कूद भी सके अलग अलग विधियों से उनको बचाना फिर घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाना क्योंकि जब व्यक्ति का कोई भी हिस्सा जल जाता है तो बहुत ही तकलीफ दे होता है बहुत ही ज्यादा उसमें परेशानी होती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में जैसे उसको कुछ दवा लगाना उसको ठंडे पानी का सेक देना जैसे बर्फ का सेक देना और फिर उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजना अब आग के फैलाव को रोकने के लिए इसके बाद जैसे बालू मिट्टी तालाब का जल का इन सब का उपयोगिता होना चाहिए इसके बाद अग्निशामन फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए फायर ब्रिगेड का नंबर हर ऑफिस हर स्कूल हर कॉलेज और हर पंचायत में उसका मेंशन आना चाहिए जैसे ही आग लगता है तो उस स्थिति में अग्निशामन को बुलाना चाहिए और अग्निशामन विभाग को भी त्वरित तैयार रहना चाहिए कभी कभी देखे हैं बुलाता है तो उसका फोन नहीं उठाता है ड्राइवर बा अपना पड़ा रहता है ताश खेलते रहता उस स्थिति नहीं तुरंत त्वरित होनी चाहिए उसकी जितना जल्दी अगलगी में पहुंचेगा उतना ही कम नुकसान होगा कभी कभी तो हमने देखा है कि आग से दावानल अपना सारा काम स्वाहा कर देती है तब अग्निशमन विभाग पहुंचता है लोग और गुस्से में उसी को मारने पीटने लगते हैं ये नहीं होना चाहिए शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तुरंत बिजली को विच्छेदित किया जाना चाहिए बिजली के लाइन को काटना चाहिए ठीक अब राहत कर्मी के उपचार का कौन कौन सा व्यवस्था रहना चाहिए तो राहत कर्मी के साथ में कौन कौन इक्विपमेंट होना चाहिए जो उसके उपचार में काम आ सके जो व्यक्ति के जो पीड़ित है उनको बचाने में और साथ साथ अपने भी बचाने में क्योंकि कई बार देखा गया है अगलगी के घटनाक्रम में जो आग को बुझाने जाते हैं कभी कभी वो भी दुर्घटना बस मृत हो जाते हैं कभी कभी वो भी आग में झोंका जाते हैं गिर जाता है तो उस स्थिति में होना ऐसा चाहिए कि प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाई जानी चाहिए जो समिति ट्रेंड हो और फिर उसके पास आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण भी होनी चाहिए और प्राथमिक उपचार का उपकरण भी उसके पास होना चाहिए अब आवश्यक उपकरण को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं वैसे तो दो वर्ग में रखते हैं पहला बचाव कर्मी के लिए हेलमेट इसके बाद लाइफ जैकेट टॉर्च गम बूट और सीटी सीटी से ये बताता है कि ये वो आ चुका है और दुर्घटना वाले लोग घबराए नहीं और इसमें गम बूट चूंकि उसका पांव में कोई चीज चुभे ना कोई चीज गरे ना और खास करके ये आग को भी झेल सके इसके बाद देखिए टॉर्च रात के अंधेरे में यदि कोई घटना होती है तो टॉर्च बहुत काम करता है लाइफ जैकेट ये उसके जीवन बचाने के लिए होता है और हेलमेट सिर पर कोई प्रहार ना हो बचाव दल के लिए उपकरण जैसे सीढ़ी होनी चाहिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जा सकता है रस्सी घिरनी और प्राथमिक उपचार का बॉक्स हथौड़ा स्ट्रेचर ताकि जो व्यक्ति गिर चुके हैं उठने लायक नहीं है तो उनको स्ट्रेचर पर लिटा करके ले जाया जा सके हथौड़ा यदि कोई गेट जाम हो गया उसको तोड़ने के लिए अब प्राथमिक उपचार के सामान में साबुन रहे रुई रहे कीटनाशक दवा होनी चाहिए थर्मामीटर होनी चाहिए
कैंची होनी चाहिए कोई चीज काटने फाटने के लिए, दस्ताना हो, वो आरएस घोल हो, यदि कोई व्यक्ति दबा हुआ है वो उल्टी और दस्त से पीड़ित है उस स्थिति में बैंडेज होना चाहिए, चिपकने वाला टेप होना चाहिए, एंटा एसिड की गोली होनी चाहिए। ये सब नॉर्मल चीज है, सामान्य चीज है एंटा एसिड। अरे तोरो तो मालूम होगा राजीव बाकी तोरा कभी कभी दाढ़ी कट जाता होगा, हालांकि तू तो दसवां में पढ़ता, तोरा तभी दाढ़ी होवे किया है, वो में दाढ़ी कट जाता होगा, तुम्हें फिटकरी लगाता होगा या मैं डिटॉल लगाता होगा, वो जरूरी होता है, साइकिल में पैर फंस करके चेन से कट जाता होगा तो डिटॉल लगाता है ना, हाँ डिटॉल लगवा थे, ऑल आर यूजिंग द डिटॉल और द सेवलॉन, तो ये आपका वहां पर भी जरूरी होता है। और आकस्मिक प्रबंधन के लिए तीन घटक महत्वपूर्ण है, देयर आर थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स, दे आर वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द इस वो आकस्मिक जो घटना होती है उसको। ये है स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव और मोहल्ले के लोग। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जैसे ब्लॉक हुआ, सीओ हुए, बीटीओ हुए, और इसको हम कह सकते हैं कलेक्टर तक आप ले सकते हैं, और सबसे नीचे आइए पंचायत का, जिसमें मुखिया हुए, सरपंच हुए, वार्ड मेंबर, वो तुरंत सबसे नजदीक होते, लोगों को जानते हैं और वहां पर वो पहुंच जाते हैं सबसे पहले। इनको इनकी ट्रेनिंग होना चाहिए, इनके पास आवश्यक उपकरण और वस्तु और इनको इससे संबंधित ज्ञान भी देनी चाहिए। दूसरा स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन जहां भी घटना होती है ये एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या ये स्वेच्छापूर्वक वहां सेवा के भाव से वहां पहुंच जाते हैं। तीसरा है गांव और मोहल्ले के लोग। गांव और मोहल्ले के लोग तो चूंकि प्रीति होते हैं तो वो उस समय न धर्म न जात न लिंग किसी भी तरह का भेद नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को विपत्ति में सहायता करनी चाहिए, और तब निश्चित ही आपदा का प्रबंधन होगा वो सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छे ढंग से होगा। और इस तरह से मैं इस चैप्टर को आपसे यहीं से विदा लूंगा, लेकिन फिर मैं चंद बातों को पूछ लेना चाहूंगा। चल ले रजीबा, जल्दी से जवाब दे कि यदि अगलगी हो गया तो सबसे पहले घटना कौन चीज करेगा, जल्दी से बोलो रजीबा, नहीं तो नस फाड़ देंगे, मारबो 10 दिन वो एक। हाँ, सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो व्यक्ति आग में फंसे हो उसको बचाना चाहिए। बारे बारे रजीबा तो 80% मारा पेगा। द्वितीया चल तू बोल, सुनामी आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुनामी आए तो सबसे पहले जो व्यक्ति बह गए हैं उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल या उसको उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है, गीतिया जल्दी बोल तो न तो मारेंगे 10 गिनेंगे। हाँ, दूसरा काम यह होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर या ऑटोमेटिक बोट से पता करें जो कोई व्यक्ति दह बह गया है उसको बचाव का कोशिश करना चाहिए। ठीक, अच्छा और बतलाओ कि सीटी की क्या जरूरत है और सीढ़ी की क्या जरूरत है आकस्मिक प्रबंधन में। अरे आकस्मिक प्रबंधन में सब जानता है, अरे दिनेश बाबू तू हो जानता है कि सीढ़ी में मान लीजिए ऊपर में नीचे आग लग गया है, ऊपर के आदमी को उतारे में वो काम देगा। ठीक, और सीटी इसलिए कि वो सुरक्षा दल आ चुका है व्यक्ति को घबराने के लिए। वाह वाह वाह, इतना सुन लिया रे रजीबा, अर्तिया, गीतिया, रमेशवा, सबके 80% नंबर आवेगा, ना आवेगा तो दाहिना हाथ काट करके फेंक देंगे। जय बिहार, जय भारत। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूं।